गणेशाय नमः प्रज्वलित दीपं गणेशाय नमः प्रज्वलित धूपं गणेशाय नमः आमान्न सहित सोपकर्ण नैवेद्य नन फल नैवेद्यं गणेशाय नमः। मैंने ना भगवान को लड्डू जो है ना वो बनाया था पर नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बर्तन नहीं है। जैसे आपको पता है, जो भी है ना उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैंने नॉनवेज बनाया हुआ है। मेरे मायका या ससुराल, एक्चुअली सारे ऑलमोस्ट बंगाली जो फैमिलीज रहते हैं ना, जो बहुत दिनों से उधर है, ऐसा काइंड ऑफ उनके सबके पास ना बर्तन रहता है भगवान की। स्पेशली जो ब्राह्मण रहते हैं ना, वो लोग भोग वगैरह देते हैं, कोई भी पूजा होता है तो हमारे घर पे वो है, तो उसी में ही भगवान को बना के देते हैं। ऐसे बोलते थे कि हम नॉर्मल जो जिसमें खाना बनाते हैं ना, उसमें भगवान को नहीं दे सकते हैं। पर मैंने इधर पे भी देखा है, और मैंने तो पता है आपको बहुत सारे लोगों को देखा है जो किचन में ही, जैसे ये जो एरिया है ना आप देख सकते हो मेरे किचन का, ये तो साइड, इसमें ही ना भगवान रखने के लिए जगह है। बहुत मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है ना किचन में ही भगवान रखते हैं। मैं तो सोच पहले सुन के ऐसे घबरा गई थी कि हाँ किचन में भगवान तो ऐसे रखते हैं, पर हम लोग नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैंने भगवान को वो स्वीट ही दिया है, जो मेरे हाथों का बनाया हुआ कुछ नहीं दिया है। आप लोग प्लीज मुझे गाइड कर सकते हो, क्या मैं जिन बर्तन में अपने लिए खाना बनाती हूँ उसको अच्छे से क्लीन क्लीन तो करूंगी ऑफ कोर्स, उसके बाद क्या मैं भगवान के लिए कुछ भोग वगैरह बना सकती हूँ, प्लीज बताना। हम लोगों के अपार्टमेंट में ना बहुत अच्छे से क्या पूजा, दुर्गा पूजा नहीं, गणेश गणेश पूजा, पूजा, गणेश गणेश पूजा पूजा। मेरा आज मतलब हो रहा है, सो सॉरी। तो हमारे अपार्टमेंट में ना बहुत बड़ा करके ना गणेश पूजा होता था, तो बहुत लास्ट ईयर तो बहुत मजा किया। आप लोग सर्च करना गणेश पूजा व्लॉग बाई ग्लैम विथ मी बोल के। सो इस बार तो हो नहीं सकता है कुछ भी, पर ये देखो रंगोली दिया है यहाँ पे ना, कुछ भी ओकेशन हो ऐसे रंगोली देते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। थाली इज रेडी, डोंट वरी, रेसिपी मैं शेयर करूंगी। सो फर्स्ट ये वाला जो है ना, ये है बूंदी की रायता। इसमें कुछ नहीं, मैंने कर्ड में थोड़ा सा नमक डाला है, और बूंदी कल रात को मैंने बनाया था लड्डू बनाने के लिए, तो वो बूंदी रख दिया था। ऊपर से थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ये है नवरत्ना कोरमा। इसकी रेसिपी के लिए आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और मैं आपको रेसिपी शेयर करती हूँ। इधर पे मैंने एक बड़ा सा अनियन और चार पांच ऐसे काजू को 2 मिनट के लिए पानी में उबाल के रखा है। अभी ये ठंडा हो गया है, इसको मैं मिक्सी में डाल के पीस लूंगी, और इसका बॉयल उतना तक करना है कि तब तक जब तक ना आपका अनियन जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। पानी उबल रहा है तो इसके अंदर मैं ये जो 3 वेजिटेबल्स है, पोटेटो, गाजर और बीन्स, इसको मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉयल होने में टाइम लगता है। जस्ट 2 मिनट के लिए मैं हल्का सा इसको बॉईल करूंगी। उसके बाद पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें थोड़ा सा काजू और किशमिश को मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई हो गया है तो इसको मैं उठा के रख दूंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। नेक्स्ट ये मैं पहली बार खाने जा रही हूँ, ये मखाना बोलता है ना, तो इसको भी फ्राई करना है। इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी, उठा के रख दूंगी। अभी फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई पे डाला है फिर से 1 चम्मच ऑयल। इसके अंदर 1 चम्मच मैं घी डालूंगी। इसके अंदर मैं होल गरम मसाला डाल दूंगी, बॉइल्ड अनियन और काजू का जो पेस्ट बनाया था मैंने वो डाल दूंगी। अरे वाह क्या लाजवाब खुशबू आ रही है, काश मैं आपको ये खुशबू भेज सकती। 2 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर मैं 3 बड़े चम्मच घर पे बनाया हुआ जो दही है वो ही डाल रही हूँ।
नेक्स्ट इसके अंदर ये जो वेजिटेबल्स मैंने बॉयल किया था उसको बॉयल करने के बाद मैंने जब इसके अंदर रखा तो थोड़ा सा ना नल के ठंडे पानी में भी मैंने इसको वॉश कर लिया है। ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, इसका जो कलर है वो बरकरार रहता है, बहुत अच्छा और एकदम यूनिक खुशबू आ रहा है, पहले ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो और थोड़ा सा बॉयल होना बाकी है, और इसके अंदर कोई भी लाल मिर्च नहीं जाएगा। तो इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ और बाकी यहाँ पे कुछ सब्जी लिया है जैसे कैप्सिकम, पनीर, पनीर यहाँ पे 250 ग्राम है और ये फ्रोजन पीस है इसीलिए मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल रहता है हल्का सा। अगर ये फ्रोजन नहीं रहता है तो इस सब्जी के अंदर ही पहले जैसे मैंने इसको बॉयल किया पहले बॉयल कर लेना पड़ेगा। इसको मैं ढक के 5 मिनट तक कुक करूंगी। ये ऑलमोस्ट पक गया है तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी नमक और थोड़ा सा चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हो पर मुझे लगता है कि ये जो वेज करी वगैरह बनता है ना इसमें चीनी अच्छा लगता है और ग्रेवी भी काफी थिक होने लगा है। तो इसके अंदर इस टाइम पे मैं ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ मखना और काजू किशमिश। आप ना पनीर को फ्राई कर सकते हैं पर मैं कभी पनीर को फ्राई करके नहीं बनाती हूँ इसीलिए नहीं किया। नेक्स्ट है दाल मखनी। तो दाल मखनी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ फिर भी मैं बोल देती हूँ, काली दाल 50%, 25% राजमा दाल और 25% चना दाल एक साथ मैंने भिगो के रखा था कल रात को, सुबह उठ के उसको बॉयल किया नमक और होल गरम मसाला और एक बड़ी इलायची डाल के। उसके बाद वही नॉर्मल सा रूल्स, अनियन, गार्लिक, टमाटर ज्यादा डालना है 2-3, उसका पेस्ट बना लिया मैंने। फिर ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाला, उसके अंदर वो पेस्ट डाला, फिर वो उसको अच्छे से 10 मिनट कुक किया। वो कुक होने पे मैं ये जो दाल उबाल के रखा था 7 से 8 सीटी तक उसको डाल दिया, फिर उसको 10 मिनट और खूब पकाया और एंड में डाल दिया कसूरी मेथी और थोड़ा सा बटर। ये था इसकी रेसिपी, ऊपर से थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ा सा धनिया पत्ता जो मिसिंग है मैं डाल दूंगी। और पूरी है, पूरी का नॉर्मल रेसिपी, ये मैं क्या शेयर करूँ, ये तो सलाद है और ये है लड्डू, मोतीचूर लड्डू। मैंने तो कोशिश किया है मोतीचूर लड्डू बनाने की, आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हुआ है कि वो तो यही लोग बताएंगे, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी पर आज नहीं कल बंगाली ब्लॉग में। ओके सो चलिए अभी हम लोग एंजॉय करते हैं हमारा थाली जो पूरा वेज नहीं है। अगर आप बिंगो अकॉर्डिंग टू एक बंगाली सोचोगे तो ये वेज थाली नहीं है क्योंकि अनियन गार्लिक है, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि अनियन गार्लिक सब लोग खाते हैं तो इसीलिए मैंने डाल के ऐसा एक थाली बनाया है। और अगर आपको सच्ची में लग रहा है कि मैंने खूब सारा एफर्ट डाला है तो एक लाइक प्लीज करना मेरी एफर्ट के लिए। तो चलो एंजॉय करते हैं लंच, खाओ। अरे कौन डालिए शुरू करे, हे भगवान, एटा दिए स्टार्ट करो ना, एटा लास्ट खाए, एटा मिष्टी ओटा जाने। अच्छा चामच दो, एटा एटा डाल, एटा सब्जी, তোমার যেমন ইচ্ছা তুমি খাও, তুমি আগে তাহলে পুরিটা খেয়ে নাও, মা আসো। ইয়ে একদম আলাদা হ্যাঁ, কবি নেই খাই अनिर्वन जब भी हिंदी व्लॉग में बंगाली बोलता है तो समझ लेना कि वो ओवर इमोशनल हो गया है। तो ये एकदम डिफरेंट होता है, मुझे खुशबू देख के पता चल गया कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये अनिर्वन, मैं कभी पहले नहीं खाया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करो, अभी देखते इसको इसका कैसा बना है। ये तुम पहले भी खा चुके हो? पहले भी खा चुके पर देखते। और कुछ नया नहीं है, ये अनिर्वाण नहीं खाएगा, जस्ट सजा के दिया है, थोड़ा सा खा के टेस्ट करके देखो, उतना भी बुरा नहीं होता है। उसको दही का कुछ चीज पसंद नहीं। माँ आशो, मम्मी और मैंने तो ऐसे ही ले लिया है कटोरी कटोरी में, नहीं थैंक यू, क्योंकि हम लोग अभी ये देख रहे हैं जस्ट एड मैजिक, उसके लिए मुझे इसकी बहुत जरूरत है। स्पेशली ये वाला जो है ना इसका टेस्ट सबसे बेस्ट है इसका। मम्मी देखते है अच्छा है, अच्छा हाँ, ये मखना है, ये भी हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। अनिर्वन को एक बोलती हूँ खा के देखो कैसा लग रहा है, सॉफ्ट है।
ये बहुत हेल्दी होता है। ये अलग से कुछ होता है मतलब? अलग ही है। ये नहीं है ना? अरे ओटा कड़ाई छुट्टी ओटा सबुज रंग ओटा सादा। अब देखते हैं कैसा बना है। बहुत बुरा। बहुत बुरा बना है। दालचीनी आ गया पहली बाइट में। अच्छा बना। क्या मैं मेरी खाना उतना पसंद नहीं करती हूँ तो कोई इसको बना के खिलाने से इसको अच्छा लगता है। मैं मखना खा के देखती हूँ। आप लोग बोलो कौन कौन बनाओगे उसके लिए। न्यूट्रेला जैसा करने पकौड़ा। न्यूट्रेला और इसका नाम क्या है कड़ाई छुट्टी। कड़ाई छुट्टी मतलब लेके थे नहीं दोनों के मिक्स्ड अप। ओके तो पहले मैं बताती हूँ दाल मखनी मैंने पहले भी खाया है नॉर्मल बना है और अगर आपको लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सॉरी मम्मी को इतना लाइट से खाने में ऐसे ऐसे लग रहा है ज्यादा धूप हो गया है। और ये वाला जो सब्जी है ना जैसे अनिवन ने बताया बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर कभी ट्राई नहीं किया एक बार कर सकते हो बहुत अच्छा बनता है। ये नवरत्ना कारी क्यूर बोलते हैं क्योंकि इसमें 9 वेजिटेबल्स या ये रहता है। मैं इसके अंदर ना गोभी रहता है जो मैंने नहीं डाला क्योंकि घर पे नहीं था उसका एक कांड हुआ है मैं बाद में शेयर करूंगी। तो ये एक बार ट्राई करना मैंने तो पहली बार ट्राई किया है ऑसम लगा है सीरियसली। इसने पहली भी बना ली ये बात जरूरत कहा जाओगे तुम। देखो मैं तुम्हें मुझे उनसे इसी बात बात करनी होगी। हम सब खतरे में हैं। नहीं मैं कैमरा मुझे कोई लेना देना नहीं है उसको। मुझे ना ऐसे फील हुआ कि घर पे मेरा गणेश जी नहीं है तो पूजा करना चाहिए तो इसीलिए मैंने ऐसे बना दिया वो आटे का गणेश जी। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि बना तो दिया है पर आई थिंक उनको प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा सुबह शाम और आरती करना पड़ेगा और आई थिंक उनको विसर्जन भी करना पड़ेगा। आई डोंट नो पर प्रसाद में मैं क्या दूँ क्या मैं अपने बनाया हुआ कुछ चीज दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ। हमारे एक रिलेटिव है जिनको अनिर्वाण दिखा रहे थे गणेश जी की मूर्ति तो उन्होंने बोला कि घर पे गणेश जी बनाए हो अच्छी बात है लेकिन अभी 9 दिनों तक नो नॉन वेज चिकन बिरयानी सब बंद। हम लोग बंगाली स्टाइल में गणेश पूजा की है। अनिर्वाण ने बोला है कि ये बंगाली स्टाइल है जिस दिन पूजा उस दिन रात को भी आप नॉन वेज खा सकते हो। यस कुछ भी हो जाए विदाउट नॉन वेज। अरे बंगाली लोग खाते हैं यार दुर्गा पूजा में तो भर भर के। हम लोग खाली अष्टमी के दिन नहीं खाते। मेरे घर में तो वो अष्टमी वाला रूल्स भी नहीं है मतलब एवरीडे आप खा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो क्या हुआ था कि ऑनलाइन पे हम लोग लड्डू की पैकेट गोभी और जो जो चीजें मुझे यूज होने वाली है तो वो मैंने ऑर्डर किया था और वो ऑर्डर आने वाला था 2 दिन पहले। ठीक है फिर मैं सुबह से वेट करती गई 11 बजे 1 बज गया अभी 2 बजे तक टाइम था तो 2 बज गया तभी तक नहीं आया तो मैंने उसको बोला कि अरे क्यों नहीं आ रहा देखो एक बार तो उसने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि नहीं वो नेक्स्ट वीक मतलब अभी 2 दिन बाद आएगा तो और उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं पता नहीं तो इसीलिए हमने कैंसिल अगर करने पे पैसा ज्यादा अमाउंट का ही है तो पता नहीं रिफंड आएगा कि नहीं आएगा ऐसे करके हमने किया नहीं तो इसीलिए अभी और ऑर्डर करेंगे तो वो तो आएगा ही ना फिर से ये डबल हो जाएगा तो इसीलिए हमने ऑर्डर भी नहीं कर पाए। जो मर्जी भगवान की वही होगी और क्या कह सकते हैं। कुछ दिन पहले बनाया सही है। इसका क्या मतलब है बिरयानी का पिक्चर दिखाने का क्या मतलब हो सकता है आप लोग बताओ। इसको जो मतलब समझ में बोलो। मैं तो 7 दिनों तक बिरयानी नहीं बनाने वाली हूँ। आज का लंच काफी अच्छा था बिरयानी से अच्छा था कि नहीं। अच्छा आज का वो नवरत्न वाला जो लंच था ना वो सब्जी वो मतलब एक्सेलेंट था। बिरयानी से अच्छा मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। डिप्लोमेटिक किससे बोलते हैं आपको पता है ना। मैं आपको मेरी ससुराल की पूजा दिखाती हूँ। वैसे तो मेरे ससुराल में एवरीडे सभी भगवान का पूजा होता है आज भी स्पेशल करके कुछ नहीं है एवरीडे हर एक भगवान की पूजा होता है। मम्मी जी अपने हाथों से फ्लावर तोड़ के माला बना के भी पहनाती है हर एक भगवान को अलग अलग उनका किसी का पिक्चर है किसी का मूर्ति है तो थोड़ा सा मैं वो दिखा दूँ आपको। Thank you.
सुंदरं दंता घात विदरी तरी रुधिर सिंदूर शोभाकरं वंदे शैल सुता सूतं गणपतिं सिद्धि प्रोदं कामजं ईदमर गंगां गणेशाय नमः ईदमाक्ष्मणि गंगां गणेशाय नमः एष मधुकर्क गणेशाय नमः चंदन गंध पुष्पमल्लं गणेशाय नमः प्रज्वलित दीपं गणेशाय नमः प्रज्वलित धूपं गणेशाय नमः आमान्न सहित सुपकर्ण नैवेद्य नन फल नैवेद्य गणेशाय नमः ओम सर्व विघ्न हर देव एक दंत गजानन ओम एक दंत महाकाय लंबोदर गजानन विघ्न नाशो करम देवं हिरम्बम प्रणमम। सो मैं फाइनली बहुत थक गई हूँ, सुबह से उठ के बहुत काम किया और बीच में एक बार झगड़ा भी किया, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सो मैं टायर्ड, मतलब तुम इतना ज्यादा जबरदस्त झगड़ेलू हो कि तुम जीत गए, ये सोचो इतना झगड़ा तुम और अगर, हो। अगर आज मैं नहीं जीतता तो क्या होता मालूम है? क्या? नहीं। ओ अच्छा ठीक है, तो चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ अच्छे ब्लॉग के साथ। और प्लीज अगर आपको लगा है कि मैंने सच में अच्छा काम किया, एक लाइक, और एक लाइक बनता है ये सब चीजों के लिए। किसके लिए? खाने के लिए या गणेश मूर्ति के लिए? दोनों के लिए। मेरा लिपस्टिक थोड़ा ऐसा हो गया है, ऐसा लगता है मैंने ऑरेंज आइसक्रीम खाया है। चलो बाय 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 बाय।